हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम लोग 11 जेपीएससी रिजल्ट कब आने वाली है इसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। और दोस्तों, आज का वीडियो बस अपडेट है और एक छोटी सी मैसेज मैं आप सभी को देना चाहता हूं, तो इसलिए वीडियो को कृपया पूरा देखिए। मैं आपका ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। रिजल्ट चाहे जो हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप सभी को अपना हिम्मत नहीं हारना है। मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका प्रीलिम्स रिजल्ट निकलेगा और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हो सकता है कि मैं खुद प्रीलिम्स क्लियर ना करूँ। आपने मेरा स्कोर तो देख ही लिया होगा कि 112 स्कोर मेरा अभी बन रहा है थर्ड रिवर्स आंसर की के बाद। हो सकता है कि मेरा प्रीलिम्स बिल्कुल ना निकले, तो उस कैटेगरी में मैं भी आ जाता हूं। तो मैं आप सभी को, मैं उन कैटेगरी की बातें कर रहा हूं कि जिनका सपोज दैट प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए, आपको अपना हिम्मत नहीं हारना है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं। रिजल्ट आती है, अगर नेगेटिव आती है तो आपको एक स्माइल देना है और ये कहना है कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे बढ़िया हम लोग करेंगे। इस बार अगर हम लोग ने इतना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए तो अगले बार इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह का मेंटेलिटी और एटीट्यूड रखना है। और इस तरह का एटीट्यूड और मेंटेलिटी अगर आप रखते हैं तो आप कोई भी फील्ड में, अगर आप जाते हैं कोई भी फील्ड में, उस फील्ड में आप ज़रूर एक्सेल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर है तो उसी में आपको एक्सेल करना है। हो सकता है कि सबका डेस्टिनी अलग हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं और यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। जो लोग सिविल सर्वेंट बनने आए थे लेकिन बाद में चल के बहुत बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर और सीईओ तक उन लोग अभी पोस्ट पे हैं उन लोग। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है। इसलिए रिजल्ट जो भी हो, आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेना होगा। और जो लड़के एकदम फोकस हैं 11 जेपीएससी या 14 जेपीएससी जो आने वाली है उसमें फोकस है, तो उन सब के लिए मैं यही कहूँगा, अगर सपोज दैट बोल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन सपोज दैट अगर रुक जाती है, तो आप लोग 14 जेपीएससी के लिए पूरा मेहनत लगा दीजिएगा। क्योंकि इस बार अगर कहीं भी थोड़ा सा आपको मिस्टेक हुआ है तो सोचिए कि वो मिस्टेक आपको उससे आपको एक लेसन लेना चाहिए। इस तरह का स्ट्रैटेजी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप आने वाले एग्जाम के लिए एकदम वेल प्रिपेयर हो जाएंगे और आपका जो आप सोचे हैं, जो आप ड्रीम किए हैं, वो ड्रीम आप एक्चुअली में उसको अचीव कर पाए। अब मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए मैंने बड़ा सा थंबनेल लगाई है। तो रिजल्ट बहुत ही संभावना है कि आज वो रिजल्ट आ सकती है और जो भी होगा ऊपर वाले का नाम लीजिए। कभी कभी ऐसा भी मैजिक हो जाता है कि जो हम लोग सोचते नहीं है और कुछ वैसा हो जाता है। तो जिनका भी स्कोर कम है और स्कोर लो है, तो एक बार दिल से ऊपर वाले को ज़रूर से याद कीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए और उस दुआ का असर मेरे ऊपर भी हो जाए और हो सकता है कि मैं भी प्रीलिम्स दे दूँ। और जो भी अपडेट्स होगा दोस्तों, प्रीलिम्स मेरा निकला या नहीं निकला, मैं ज़रूर से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा इसी चैनल पे। और इस ब्लॉग को हम लोग लेते चलेंगे जैसा मेरा सफ़र रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा सफ़र में आप लोग साथ दीजिए ताकि हम लोग इन फ्यूचर और इस चैनल के माध्यम से और अच्छा काम कर पाए। और अभी आप लोग को बहुत कुछ देखना है इस चैनल के माध्यम से, हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। और जितना भी जो भी होगा इसमें, ये अपने लिए मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये किसी और के लिए कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में मैं आप लोगों को ज़रूर से ये सब चीज़ के बारे में शेयर करूँगा। और ऑल द बेस्ट दोस्तों, जो भी रिजल्ट हो, और ज़रूर से आप लोग कमेंट करके मुझे शेयर कर दीजिएगा। और भरोसा रखिए, जो आपने सोचा है, जो आपने एम रखा है, उस एम को आप लोग ज़रूर से अचीव कर लोगे। बस हार्डवर्क और भरोसा ज़रूर रखिएगा। लोग क्या कहते हैं उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना, अपना दिल की सुनिए। अगर आपने सोचा है कि एक सिविल सर्वेंट आपको बनना है, तो आपको रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, आप ज़रूर बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।